हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में ज़ोमैन SR500mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ज़ोमैन SR500mg टैबलेट का मुख्यतः उपयोग डायबिटीज की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 31 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। ज़ोमैन SR500mg टैबलेट में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड IP 500mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड यह ड्रग एंटी डायबिटिक के क्लास में आता है। यह लीवर में ग्लूकोज तैयार होने की गति को कम करता है, साथ ही इंसुलिन के कार्य में मदद करता है। बात करते हैं उस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग शुगर की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। शुगर बढ़ना मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, इसे हम शुगर कहते हैं। साथ ही इसे डायबिटीज या फिर मधुमेह भी कहा जाता है। इसे टाइप 2 डायबिटीज की समस्या दूर करने के लिए भी कई डॉक्टर यूज करते हैं। आप अपनी शुगर की समस्या कौन से टाइप में आती है ये अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, उस टैबलेट का डोस आपके शुगर की लेवल पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी शुगर लेवल ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी ज्यादा होगा, यदि आपकी शुगर लेवल कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होगा। इसलिए आप अपनी शुगर जांच करवा के इसका डोज अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको उस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गई हो तो आप मीठा खाना बंद कर दे। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।